मेहनत खराब नहीं जाती। हम दिल से आज गायों से मिलने आए थे, तो आज हम अपनी गौ माता से मिल के ही जाएंगे। तो और हम आपको अमरीका की गायें दिखाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी है ना, ये देखो। हाँ देखिए नीरज सर को बड़ा प्यारे से। ये गाय कौन सी वैरायटी होती है? ये गिर गाय। गिर गाय है। इनके साथ ना अलग ही प्यार है, मजा आता है इनके साथ टाइम बिताने में ना। इंडिया की बड़ी बड़ी है ना, की हमारी चंदों की याद आ गई भाई हमारे घर की। बड़ा शांत, शाम हो गई तो सबके सोने का टाइम हो गया। कितनी वैरायटी है यहाँ पर, वैरायटी क्या कितनी प्यारी प्यारी है। इसे मार भी सकती है, मारती तो नहीं होंगी। हाँ देखा, मारती है, ऐसा नहीं है मारती नहीं है। तो हमने हमारे साथ खाना पीना ही हो गया इनके साथ तो। ये बड़ा सीधी लग रही है, रो रही, ठंड लग रही है। सींग इनके इनके लग रही, खाओ खाओ, एक ही खिला रहा। एक प्यार से नंदी है क्या है? मनीष इसे अपनी पीठ को जो पीठ को जाने के लिए। और यहाँ पर राधा कृष्ण के भजन भी चल रहे हैं, और ये बड़ा प्यार से अपना खाना भी खा रहे हैं। तो यहाँ तो भजन चल रहा है। अच्छा कुछ कुछ मारने वाली भी है। चलो थोड़ा इनके साथ टाइम बिताते हैं। प्यारी प्यारी है, कुछ मारती भी है वो। देखो कुछ मांग रही, चलो इनके लिए हम कुछ लेके आते हैं। वो मांग रही हैं। अच्छा लग रहा है इनके साथ टाइम बिता रहे हैं। इसमें बनाया हुआ एरिया है, यहाँ कुछ गायें हैं, जिस कौन टेंपल के ही हैं उनका ही बनाया हुआ ये एरिया है। हम जब लास्ट टाइम स्कॉन टेम्पल गए थे तो वहाँ पे हमें जो मिले थे उन्होंने हमसे बोला था कि आप गौशाला जरूर घूम के आना। ये बड़े पापा खड़े हैं सबके, ये एक ही है, तीन है। ओ बाप रे बाप, देख रहे हो नंदी को। हेलो नंदी भाई, इनके लिए कुछ खाने के लिए तो लाना चाहिए यार। कहाँ कहाँ वो हमें देख रहे हैं भाई। नंदी नंदी मुझसे बड़ा है, देख रहे हो, मतलब भगवान पूरे ऐसे लग रहे थे, नंदी भगवान ही खड़े। हेलो बोलो चीज, स्माइल। इन्हें देख के ना अपने कानपुर के नंदियों की याद आ गई। कानपुर के नंदी भी इतने बड़े, बट इनका इतना सर नहीं होता इतना बड़ा जितना इनका बड़ा है। बाप रे बाप, अब बेचारे अकेले बिठाए हुए हैं। इनका पूरा एक प्राइवेट यार्ड है, ये इनके घर है, शेड में बैठते हैं या रहते हैं, चिल मारते हैं। अरे मंत्र चल रहा है, इतना प्यारा मंत्र चल रहा ना कि गाय का या इंसान का मोह लग जाए। क्यों जी, तो कैसा लगता है आपको? यहाँ इतने बड़े नहीं, मेरे सर से बड़ा तो इनका सींग ही है। ये एक छोटे नंदी, सबसे बड़े नंदी। ये बड़ा अच्छे लग रहे हैं, ये थोड़ा दोस्ती निभा रहे हैं ना, है ना। आओ आओ, तुम्हारी थोड़ी खिला दे, आ जा, आओ आओ। अच्छा थोड़ी कर दे, ऐसे कर दे, लग कराओ तो थोड़ा ऐसे करा लो। हाँ ऐसे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लो ऐसे नीचे से कर दे तुम्हारे, इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे। बता इनके साथ टाइम बताना ना, इंसानों के साथ टाइम बिताने से ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे गांव में भी हैं, गांव में 8 भैंसे हैं, उनके साथ भी मैं टाइम बिताता हूँ। और आज मुझे मौका मिला इनके साथ। आज हमारे तीसरे भाई कैसे रह गए? अच्छा यहाँ 3 भाई हैं, ये तीसरे हैं, ये अकेले बैठे हैं। ये शान देखो कितने बड़े बड़े हैं सर ये। तीन, हाँ वो नंदी हैं, ये खुंदक में नहीं, गर्दन से लेना बड़ा अच्छा।
हमें यहाँ पर भी मिल गई पता, मेरे चंदो की याद आती थी हमें बहुत, लेकिन चंदो तो नहीं, सोमू मिल गए यहाँ हमें, बड़े सोमू कहीं ना कहीं से हम लोग ना मिल ही जाते हैं। ठीक मत देना ना, मेरा चश्मे में आ गया तो तुमने देखूं कैसे बताओ। हमारा ना सर बहुत बड़ा है, मैं कैसे खजवाऊं बताओ, यहाँ तो कुछ मशीन होनी चाहिए। तो तुम बंद हो पता, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, अगर मैं खुला होता ना यार नहीं, मैं से इतनी बकवास कर नहीं पाता। नीचे का ना, नीचे गिर प्रजाति है। Unwantedly choking. This is bad thing because the in Kaliyuga Shastra said that like in Kaliyuga holy name, chanting the holy name is the best service. Like big yagna and so other ritualistic not possible in Kaliyuga. So this is best seva. When we chant the holy name, then it's benefit for your spiritual life and your family, everything. Because this is transcendental vibration. So that's why we just request, depend on your, this is not thoughtful. Okay, if you want you can do this. Okay, so we will start from here. Some quantity little change. So which cow I said, please feed same cow, don't go to near another cow. And when they are eating, please don't try to touch and massage, nothing. When they are eating, we should not be disturbed. That's why that time we can do parikrama. Because they need 4 to 5 minutes. In 4 to 5 minutes they will finish. Okay, so we will start from this first one. Hare Krishna, this is for Kurbi. Mix. First mix. हमें कुछ ऐसे बकेट में खाना दिया गया था हर एक काऊ को फीड कराने के लिए, तो मुझे एकादशी को दिया गया था खिलाने के लिए, तो मैंने एकादशी को खिलाया। तो एकादशी को, जब तक एकादशी हमारी पूरा फिनिश कर रही है तब तक हमें इसके चारों तरफ चक्कर लगाना है श्री कृष्ण, मतलब लगाना है, एक ऑप्शनल है, बट हाँ थोड़ा भगवान को भी याद कर लेना ही चाहिए। सारी प्यारी अच्छे से अपना अपना खाना खा रही है। एकादशी इसका नाम क्या होता है? सरस्वती। और वो ये तो एकादशी थी, वो ये गंगा है, ये गंगा है, पानी हटी तो वो बैठी है ना, ये नीरजा, ये मानसी है। अच्छा ये एकादशी है जिन्हें मैं खिला रहा था, ये है इनका, ये वो लक्ष्मी है सबसे बड़ी वाली, ये इधर जो लक्ष्मी है, ये पीछे वाली, ये कामधेनु। अच्छा कामधेनु का बच्चा का नाम क्या है? नंदिनी। अच्छा ये नंदिनी है, और वो जो बड़ी वाली है पीछे सुरभि, वो सुरभि है, और वो बिट्ठल है जिन्हें मैं खिला के आया था, और ये बगल में जो खा रहे हैं नीली बकेट में, अच्छा वो माधव है, ये तो सरस्वती ही हंसी। अच्छा ये हंसी है, तो पूरी एक फैमिली है। समझ में आना चाहिए कि भाई मसाज कर रहे हैं, गर्दन भी ज्यादा मजा आते हैं। हाँ हो गई है, इन्हें भी सोने देते हैं, और हम चलते हैं घर पे। दोबारा मुलाकात होगी इनसे, फिर इनका मतान के साथ बड़ा मजा आता। मेरे कितना अच्छा लगा टाइम बिता के भाई, यहाँ पे 1 घंटे हमने लगभग बिताया, 1.5 घंटा अच्छा टाइम कट गया, मजे आ गए, मतलब जिस चीज़ के लिए आए थे वो मिल गई हमें, सबसे बढ़िया वो चीज़ थी,
रात हो गई है, हो सकता है वीडियो क्लियर नहीं आए, लेकिन हम जाते जाते आपको एक व्यू दिखाते हैं मिलपिटास का। बस बस अंधेरा है, सांप हो सकता है, सांप हो सकता है, तो हम आगे नहीं जा रहे, शहर दिख रहा है। ये दोस्तों फिर आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और ट्रिप पे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता, हरे कृष्णा।